फ्रेंड्स, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे अपने सैमसंग के फ़ोन में ये ब्लूटूथ ईयरबड को कैसे डिसकनेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे हम अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, क्या कहते हैं, कनेक्टिंग का। तो सिंपली मैं कनेक्टिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। कनेक्टिंग पे क्लिक करने के बाद आप दोस्तों हमको यहाँ ब्लूटूथ का ऑप्शन शो होता है। सिंपली मैं ब्लूटूथ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो ब्लूटूथ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमको यहाँ पर इस साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको यहाँ डिस्कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली हम यहाँ डिस्कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम डिस्कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो हमारे ब्लूटूथ ईयरबड है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारे ऐसे सैमसंग के फ़ोन में। तो आज की वीडियो पे ही समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।